हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो? चलिए आज हम चैप्टर 1 द फिश टेल पढ़ने वाले हैं। फिश टेल मतलब मछली की पूंछ? नहीं, मछली की कहानी। फाइनल करिए क्या चीज पढ़ रहे हैं अपन, मछली की कहानी, क्योंकि TALE का मतलब होता है कहानी। डीप अंडर द सी सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली। बहुत ही नीचे सी के अंदर एक बहुत ही सुंदर फिश तैर रही है, स्विमिंग कर रही है, शांति से, मजे से, बिल्कुल बिना फिक्र के। तो ये जो होती है 2 से 3 लाइन की पोएम्स, इसको जापान में हम क्या बोलते हैं? हाइकू, जो नेचर से रिलेटेड होती है। पिक्चर दिया है और उसमें एक मछली है, कितनी सुंदर मछली है, ब्यूटिफुल, और वो आराम से तैर रही है। द लेक काम स्मूथ स्टिल, अ फिश जंप्स अप एंड रिटर्न्स, रिपल्स शेक द लेक। आपका कोई भी लेक है, पॉन्ड है, सी है, अगर वो बहुत शांति से है और आपने उसमें मस्ती से एक पत्थर उठाया और फेंक दिया, तो ऐसे ही सर्कल्स बन जाते हैं। तो मछली भी जब ऊपर से नीचे डुबक डुबक करती है तो ऐसे ही रिपल्स फॉर्म हो जाते हैं। अगर आपको ऐसी कोई हाइकू मतलब कोई पोएम्स आती हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और एक तो हम हमेशा बोलते आए हैं बचपन से, जब आप छोटे थे तब भी बोलते थे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। सो यू हैव टू राइट दीज टाइप ऑफ पोएम्स इन इंग्लिश, सो ट्राई टू राइट देम। चलिए अब ये एक बहुत ही बढ़िया सा पिक्चर बनाया है आपके जैसे ही कोई छोटे बच्चे ने। तो मैंने अगर आपको बोला कि आप लोगों को फिश बनानी है तो आप क्या इमेजिन करके ड्रॉ करेंगे? जल्दी से कॉपी में ड्रॉइंग कीजिए। ओवल शेप, सर्कल शेप, रेक्टेंगल शेप, एनी ऑफ देम। तो बहुत सुंदर सुंदर सिर्फ शेप्स बनाए ना। चलिए यहाँ जो क्वेश्चन दिया है, ट्राई टू यूज अ स्क्वेयर एंड अ ट्राइंगल टू ड्रॉ अ फिश। हम ये भी बना के देख लेते हैं। स्क्वेयर क्या होता है? जिसकी 4 साइड्स इक्वल रहती है, ये स्क्वेयर हो गया। एंड अ ट्राइंगल, ट्राइंगल जिसकी 3 साइड्स रहती है, ये हमारी फिश बन गई। और मैंने इसमें एक आईज बना दिया है तो हमारी एक फिश बन गई। तो आप भी ऐसी फिशेस अपने इमेजिनेशन से ड्रॉ करें, कितना इंटरेस्टिंग है ना। ड्राइंग करें, फिर उसमें कलर्स करें, क्योंकि फिशेस हमारी बहुत सारी डिफरेंट कलर्स की होती हैं। तो आप कलर्स करें और आप छोटी सी छोटी हाइकूज मतलब पोएम्स लिखें। सो आज आपके लिए इतना ही बहुत है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके बाय, लव यू किड्स।